मैं हूं आपके साथ प्रिया, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे भोपाल गैस कांड के बारे में और इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। भोपाल गैस कांड और इससे जुड़ी एक तस्वीर को भारत और यहाँ के लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। ये तस्वीर 4 दिसंबर 1984 को फोटोग्राफर रघु राय ने खींची थी। उस वक्त ये ब्लैक एंड व्हाइट थी। इसके बाद ये तस्वीर को पोब्लो बार्थोलोमियो ने कलर इमेज के साथ रूप दे दिया था। पोब्लो एक स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे। ये फोटो यूं तो भोपाल गैस हादसे के 2 दिन बाद खींची गई थी, लेकिन इस फोटो ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। ये फोटो आज भी इस हादसे की कहानी बयां करती है। इस हादसे में एक ही रात में 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि इसमें मारे गए कुल लोगों की संख्या करीब 16000 तक थी। भोपाल गैस कांड को 36 वर्ष गुजर चुके हैं। इसके बाद भी आज तक यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े 340 टन जहरीले कचरे को नष्ट नहीं किया जा सका। इसकी वजह से आसपास का पानी दूषित हो रहा है। कोर्ट इस पर नाराजगी जता चुकी है। इस रासायनिक कचरे की वजह से यहां के करीब 50 कॉलोनियों में पानी का प्रदूषण स्तर सामान्य से कहीं अधिक है। 36 वर्षों के बाद भी इस हादसे में पीड़ितों का पूरा न्याय नहीं मिल सका है। आज भी कोर्ट के अंदर इसके मुआवजे का मामला लंबित है। इस बीच इस हादसे के मुख्य आरोपी और फैक्ट्री के संचालक वॉरेन एंडरसन की 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी को लेकर आवाज उठाने वाले और पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार को भी 14 नवंबर 2019 को निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। वे भोपाल गैस पीड़िता महिला उद्योग संगठन के संयोजक थे। आपको बता दें कि भोपाल गैस हादसा दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक हादसों में शामिल किया जाता है। इस गैस हादसे में उन्होंने भी अपने माता पिता और भाई को खोया था। इस हादसे की जांच के बाद सामने आया कि यहाँ के अधिकार उपकरण ठीक नहीं थे। काफी कुछ उपकरण जर्जर हो चुके थे जिन्हें सही नहीं करवाया गया था। वही कारखाने के सिक्योरिटी मैनुअल इंग्लिश में थे, जबकि वहां पर अधिकार काम करने वाले छोटे तबके के लोग थे जिन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। उनको उपकरणों के रख रखाव या दूसरे सुरक्षा के बारे में कोई जानकारी नहीं था। 2 से 3 दिसंबर की रात कंपनी ने एक टैंक में जरूरत से ज्यादा गैस मौजूद था। यहाँ का तापमान भी सामान्य से अधिक था। यहाँ पर मौजूद हर टैंक की कैपेसिटी 68,000 लीटर लिक्विड MIC थी, लेकिन इनको केवल 50% तक ही भरा जाता था। लेकिन उस रात एक टैंक में इसको नजरअंदाज किया गया। हादसे वाली रात कुछ कर्मचारी अंडरग्राउंड टैंक 610 के पास पाइपलाइन की सफाई कर रहे थे। उस दौरान यहाँ का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि इसको महज 5 डिग्री होना चाहिए था। इसकी वजह से एक फ्रीजर प्लांट का बंद करना पड़ा। यहाँ की बिजली कट चुकी थी। तापमान बढ़ने की वजह से गैस दूसरे पाइप के जरिए लीक होने लगी। कुछ कसर खराब वॉल्व ने पूरी कर दी। रिसाव के कुछ देर बाद सिक्योरिटी अलार्म बज गया। जहरीला गैस भोपाल के आसमान में फैलने लगी। वहीं दूसरी तरफ संचालक इसके लगातार इनकार कर रहे थे। सुबह तक हालात खराब हो चुके थे। प्रशासन ने आनंद फारिन में यहाँ के लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दे दिया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हादसे की गंभीरता को भांपते हुए एंडरसन देश छोड़कर भाग गया। इसके बाद कई सरकारों ने उसको वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही।
वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने कोच में दायर एक हलफनामे में घायल हुए इनमें अस्थाई जिसमें कि 558,125 बताई गई है, जिसमें अस्थाई तौर पर विकलांग हुए लोगों की संख्या 38,468 जबकि विकलांग 2,900 थे। अभी के लिए इतना ही, बाकी की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे प्राइम न्यूज 24 से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।